पंचायत देवसागर के रहने वाले कोटवार सुखदास के साथ पटवारी। रायगढ़ के नगर कोतवाल द्वारा अठारह नाले के पास हुए हादसे में चालकों को सुरक्षित निकालने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने के बाद रायगढ़ ट्रेलर मालिक संघ के सभी पदाधिकारियों ने कोतवाली पहुंचकर नगर कोतवाल को उनके लिए कार्य के लिए साल श्रीफल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया। बीते दिनों दर्दनाक सड़क हादसा रायगढ़ से घरघोड़ा मार्ग पर 18 नाला के पास हुआ था, जिसमें कोयले से भरी ट्रेलरों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई थी, जिसमें कि एक ट्रेलर पलटकर केलो नदी में जा गिरी थी और ड्राइवर उसके अंदर फंसा हुआ था, तो वही दूसरी ट्रेलर भी सामने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसमें भी ड्राइवर बुरी तरीके से फंसा हुआ था। जैसे ही इसकी सूचना नगर कोतवाल मनीष नागर को लगी तो तत्काल दल बल के साथ नगर कोतवाल घटना स्थल पहुंचे और सबसे पहले पलटी खाकर नदी में गिरी ट्रेलर से ड्राइवर को सही सलामत बाहर निकाला, साथ ही दूसरे ट्रेलर में भी फंसे ड्राइवर को सही सलामत निकाल कर जिला चिकित्सालय भेजा, जहां दोनों ड्राइवरों का इलाज जारी है और दोनों ही खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इसी कारण नगर कोतवाल को मसीहा का दर्जा देते हुए रायगढ़ ट्रेलर मालिक संघ के सभी पदाधिकारियों ने कोतवाली पहुंचकर नगर कोतवाल को साल श्रीफल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया। ट्रक मालिक संघ के सदस्यों ने बताया कि जिस प्रकार नगर कोतवाल ने सक्रियता दिखाते हुए उनके दो गाड़ियों के ड्राइवरों की जान बचाई, जिसके लिए नगर कोतवाल बधाई के पात्र हैं, जिसके मद्देनजर आज सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उनका सम्मान करने के लिए यहाँ कोतवाली में उपस्थित हुए हैं। आज हम यहाँ रायगढ़ जिला ट्रेलर मालिक कल्याण संघ की ओर से आए हैं। हम सभी गाड़ी मालिक हैं, हम कृतज्ञता व्यक्त करने आए हैं नागर साहब की, हमारे जो TI साहब हैं, इन्होंने विगत दिनों एक गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई थी उसमें अपने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन्होंने दो ड्राइवरों की जो जान बचाई, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, मतलब हम लोग को लगता है कि ऐसे ही भावनात्मक कोतवाल अगर रहेंगे और एक गरीब जो गाड़ी मालिक है ड्राइवरों के लिए सोचेंगे तो निसंकोच हमें हर्ष होता है और ऐसे व्यक्ति का हम सम्मान करना अपना कर्तव्य समझते हैं। उसी के तहत आज हम यहाँ इकट्ठा होकर उनका सम्मान करने आए हैं कि उन्होंने ड्राइवरों के प्रति भी जो अपनी संवेदनशीलता दिखाई है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।